Hello. अरे मैं खा पिघला, महारानी पिघला, महारानी पिघला, ये हो गया तेरे केस आए थे, महारानी पिघला क्या हुआ? तेरे भाई यार दिख रहे हैं महाराज, आदत तो दिख रहा है फिर भी खोल के बता। नहीं मेरी चूतनी बात के बड़ी देखो रानी खुल के बता, बोले खोल के बता दे गौरी पति के आके सारी। अरे आसन पाती लिए पड़ी तेरे कुर्सी से बीमारी बीमारी कुछ है ना हरा। हाँ सुन पाओगा? हेलो बता महाराज। हाँ जी सुनना चाहे है? हाँ तुम भी सुनना चाहो? सुन ले सरवर जी, पहले अपनी छाती को ऊपर हाथ तिल कर ना कर ले महाराज, कदे चक्कर खा के पड़ जा। हाँ जी कर लिया महाराज। इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, तेरा छोटा भाई है। मेरा भाई विक्रम? हाँ नहीं नहीं पिघला, ऐसा मतलब महाराज नहीं नहीं पिघला, मेरा भाई विक्रम ऐसा नहीं है। अच्छा तेरा देखिए महारानी खोल के बताओ बात क्या है। खोल के महाराज। हाँ इस आलत का जिम्मेदार तेरा छोटा भाई महाराज विक्रम। विक्रम जी महाराज। विक्रम को बुलाया जाए। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम विक्रम, क्या तेरी भाभी पिघला क्या कह रही है? देखिए भाई साहब, भाभी जी जो भी षड्यंत्र रच रही है वो सरासर झूठ है। झूठ है? मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे को शर्मिंदा होना पड़े, आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो यह शादी आप ही बांध की जाएगी? देखिए भाई साहब, मेरे को ये भी नहीं पता भाभी जी क्या बांधती, क्योंकि भाभी होती एक माँ के समान होती है, मैंने आज तक इनकी चेहरे की तरफ कभी नहीं देखा। अच्छा चेहरे की तरफ लोग बता, मेरे कक्ष में तेरी छुट्टी कितने बजे हो? और तू एक बजे की एक छुट्टी तेरी चार बजे हो? देखिए महाराज, महीने का आखिरी दिन था, छुट्टी पहले हो गई इसलिए मैं पहले आ गया। महाराज मेरे पास में सबूत भी है, गवाह भी है। सबूत से? जी महाराज। कौन है? अगर भाभी जी आपके साथ में कोई सबूत है। अच्छा भाभी जी, ये बड़ी भाभी जी, जब तो जान जान लूं। और तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े भाभी जी, मैंने आपकी समझ कभी नहीं ली। विक्रम सुन ले, क्या ये सच है जो पिघला कह रही हो? बिल्कुल गलत है भाई साहब, आप चाहो तो उस गवाह को बुला सकते हो। बिल्कुल महाराज, नगर सेठ, नगर सेठानी चाहे बुला के पूछ सकते हो। नगर सेठ, नगर सेठ, नगर सेठानी हाजिर हो जा। हाजिर हो आप, किसी से भी पूछ लो। महाराज पूछ लो से किसी ने, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया भाई साहब। मेहरबानो होनहार बलवान हर होनी सब में होए, और जो भी जना ने लिख रखा वो मेट सके ना कोई। हाँ नगर सेठ जी। महाराज क्या जो ये पिघला कह रही है वो सच है? जी महाराज। सुनी महाराज, या कौन है? तुम्हारा? ये हमारी सेठानी है जी। अच्छा यहाँ भी थे तेरी गवाह? जी महाराज। आगे ना सेंटर वाली सेठानी। हाँ तेरे क्या देखा? जोड़ के लाया वो। महाराज ये तो फैसला करने तो महाराज। देखिए सेठानी जी, देखो पिघला और सेठ जी, ये झूठे गवाह हैं भाई साहब। अच्छा सच्चाई के मूर्त तू है? देख विक्रम, भला राज दरबार है और इतने गवाह और सबूत इकट्ठे हो गए हैं, खाली तू एक सच है तेरी भाभी, ये गवाह सारे झूठे हैं। देखिए भाई साहब, ये भाड़े के सारे के सारे। भाड़े के? वो नगर सेठ कर दिए जितने मेरा एक काम करना से। हाँ? और दुनिया के माँ विक्रम ने बदनाम करना से। ये सोच की सभी सेठ और सेठानी है। क्यों रोज पी के जाओ कि नहीं जाओ कर करे? और भाई साहब ये नार नहीं नवरंगी है। हाँ? नवरंगी नहीं रस रंगी है। हाँ? अरे ढके तो सारे कुल को ढक दे वरना सुई से भी नंगी है। आप किसकी बात मान रहे हो भाई साहब? बात मेहरबानो देखियो, कभी ने बताया है बोला चोरी कैसा धन नहीं सरकार ना होता, और जुए कैसा खेल नहीं कर हार ना होता, और भैया कैसा प्यार नहीं तकरार ना होता, एक औरत
तुम अधिकार ना हो तो, अधिकार ना हो तो पिघला सबूत तेरे सामने, सच्चाई तेरे सामने, क्या तू फैसला कर नहीं तो मरूंगी। तो पिघला भी क्या करना है, विक्रमा का बोल महाराज, जल्लाद को बुला के काम तमाम कर दिया जाए। अरे जल्लाद शक्ल भी नहीं देखना चाहती महाराज इसकी। आइए जल्लाद जी आगा आ जाओ। जल्लाद इसको ले जा दूर, मेरी नजरों के सामने दूर कर दे, मेरे सिर से भेज देंगे। हाँ पिघला क्या सजा दे दी इसको? सजा मौत महाराज, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहती महाराज। चलाओ विक्रमा को भी अपराध जंगल में ले जाओ और फांसी तोड़ दो उसको। भाई साहब फांसी क्या ले तोड़ो, कोई तुड़को कान कोई तोड़ कर, कोई डेढ़ बड़ी चीज के तोड़ अच्छा, नहीं तुड़का। एक सेकंड महाराज, एक दो मिनट बात क्यों कर ले, छोड़ दे एक बार, अटकड़ी खोल दे। ये भाभी जी क्या करना चाहती हो? ये तो बड़ी भाभी जी, मैंने इनको क्या धन मान जा राजपाट धनमाल खजाना केस लूट जब तक तो बोले वाली मत। भाभी जी बेशक चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं झूठी गवाह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं छतरी राजपूत हूँ और ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता जो कि भाई की नजरों में गंदा हो जाऊँ। बिल्कुल नहीं, मैं अपने भाई से दो बात करना चाहता हूँ। जलाद भैया बिल्कुल ही, भाभी जी मैं दो बात मेरे भाई से करना चाहता हूँ, ठीक है जलाद? और जलाद भाई दो बात मेरे भाई से करना चाहता हूँ, उसके बाद में आप मेरे को चाहे फांसी दो। भाई साहब अभी बोल रहा हूँ कि मेरी बात सच्चा बिल्कुल और भाभी जी झूठ है। बोल, अरे राज दरबार में इतने सबूत इकट्ठे हो गए तो मैं क्यों कर मान लू कि तू सच्ची है, तेरी भाभी झूठी है। लुगाई का गुलाम देखा भाई जी, तेरू कला कला देखा, देखा महाराज मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब। विक्रमा के लिए मैंने अपनी संतान पैदा नहीं किया, जो माँ का सम्मान माने करता है लुगाई कहने लगे महाराज। देखिए ये संस्कार दिए थे महाराज, और महाराज आज तो पी रहा भी है विक्रमा, आग भी ना लो रही महाराज। अगर तेरा ब्याह की जीवन थी तो मैंने बता देता, बोला सब इज्जत बेकार करी तेरे मेरे माँ के जाए भाई। अगर तेरा ब्याह की आग लाग रही थी ला देता तेरे लगाई। भाई साहब मेरा क्या की ब्याह की आग लाग रही, कहीं की एंडमेंट बात करो तो ये लुगाई तारी झूठ बोला यार, मेरी बात सुन लो भाई साहब। लुगाई देख भाभी जी या तारा पद पकड़ू, मैं दो बात मेरे भाई से कर ले। अच्छा उसके बाद में जो चाहो आपसे जाते थे, मेरी बात सुनिए भाई साहब। सजनों वो पिंगला विक्रम को मरवाने के लिए जलादों के हाथों सौंप दी जाती है, और वो विक्रम अपने भाई से क्या बात के माध्यम से उस हरियाणा के मैसूर कवि ने बहुत ही अच्छी रागनी आपकी सुनी सुनाई लगी, किस प्रकार से आई सुनिएगा इस रागनी को। बोले तू क्या कहने तो फांसी दरवाजा का जी, मेरी बात सुनिए भाई साहब। और आज का बोला